ऐसा बनाओ जेड़ा अली उन वलीउल्ला पढ़ने वाला है वो तेरे नाल बैठे है उसनु तकलीफ है उसकी मदद कर उसनु किसे चीज की जरूरत है उसके कोल जाके बैठ के उसकी मदद कर उसको पूछ तेनु की मसला है ए तेरी मेरे प्यार है ए तेरी मेरी मोहब्बत है सारे मिलके सलावत पढ़ लो इमाम ज़माना कोशिश करो मुड़ भी मिलके सलावत पढ़ लो इधर से आले मुहम्मद है किसे दी दिलदारी दी बात ही नहीं किसे तो कोई निजाम नहीं बंदे नु पता ही नहीं त्रै जमात दी उसानी की है पिंड जी मैं गुजरिया लाला जी दरस कसरे इमाम हसन मुजतबा उठे मैं चलो गरीब जी बादशाह ने ड्यूटी लाई उठे गुजरिया किते चले हो जी काले कपड़े पा के मुहर्रम तो मुक गया मैं कह त्रै जमात दी उसानी है त्रै जमात दी उसानी नु की होया फजाइल दी बात है मैं कह त्रै जमात दी उसानी नु मेरे तो पुछदा तो के होया मैं कह तेनु पता नहीं रसूल खुदा दी बेटी दी शहादत दे दिन उसके सच्ची पूछते हैं कुरान दी कसम सानू पता ही नहीं जो रसूल दी बेटी दी शहादत केड़ी बेटी दी चौं चू शहादत केड़ी बेटी दी कमाल हो गया यार कैसे लोग हैं कैसा वक्त है कैसा निजाम है खावण दा वो शेल भी नहीं अली जन वलीउल्लाह पढ़न वाले दा कितना बड़ा वक्त है कैसा मुकद्दर है तेरा यार कैसा वक्त है गरीब होना जुर्म नहीं लाला जी मैं बड़ी नायाब सदर पुत्र उमर दी हसीयत ना कुरान दे तियां पर गरीब होना जुर्म ही नहीं अगर भाईजान गरीब होना जुर्म होंदा मदीने वाला मोहम्मद उठे ना बांदा जिन्ना कुल घारी कोई ना है आए मैं बिस्मिल्लाह करा यार मैं बिस्मिल्लाह करा दियां दे पर्दे जवानी मानो यार रसूले खुदा उठे ना बांदा जिन्ना कुल घारी कोई ना है तेरा बहुत बड़ा मुकद्दर है तेरा हुसैन बड़ा आदल है तेरा हुसैन इतना बड़ा आदल है किताब में ने हुसैन ही हुसैन बड़ी नयाब सफर किताब में ने हुसैन ही हुसैन लिखा नाला यूसुफ रजा कादरी मुल्तान दे वो लिखा दे कशार चिक फकीर ने सदा दीती है एक जड़ा हुसैन द नाते में नुकाई शाय दे वे आदे सदा दीती एक हिंदू है सिख है खाना नहीं दोपहर के टाइम खाना पे खांदा उस इमाम हुसैन दे नाम दी सदा सुनी जल्दी दिन उठिया हर बंदा बेहतर जानदा है जेडे बुजुर्ग बैठे हैं लाला जी जेडे सिख होंदे उन्होंने सिरां ते पग्गां होंदियां ने जल्दी नाल उठिया पग जणी संभाली नहीं दौड़िया बाजार च हाथ च रोटी चौक च आया फकीर दा मोढा हिलाया तू मंगे हुसैन दे नाते फकीर आके हाँ मैं हुसैन दे नाते मंगे तेरा कितना बड़ा बख्त है तेरा कितना बड़ा मुकद्दर है तू हुसैन दे मनण वाला है तेरा पेशवा इमाम हुसैन है बंदा हुसैन भी मनदा होवे वद मुकद्दर दा शिकवा करदा होवे उस जैसा कैनात च बदनसीब कोई नहीं मैं बिस्मिल्लाह करा बाजार च आया मोढा हिलाया तू हुसैन दे नाते मंगे हाँ मैं मंगे ए खाना खा इमाम हुसैन दे नाते फकीर बिठा तू तो सिख है आंदे मैं जो ना खाना खा भावे सिख हां आंदे हुसैन दे नाते सिख बोल के आंदे सच पूछ दे ये हुसैन दी दित्ती अमानत है आए हाय हाय जान मंगे हुसैन दे नाते देवा अच्छा जान भी मंगा हुसैन दे नाते हां आंदा जान मंग हुसैन दे नाते देवा फकीर है हर बंदा बेहतर जानदा है हर फकीर पिन्नन वाला नहीं होंदा एवें कास जमीन ते रखया हायो तेरी अजमत नु सलाम है अल्लाह बादशाह जानदे कास जमीन ते रखे फकीर उस सिख दा मोढा हिला के आंदा जो मंगसा हुसैन दे नाते देसे सिख आंदा तू जान मंग हुसैन दे नाते देवा फकीर आंदा जान दी जरूरत नहीं अज दिल बन गए अगर हुसैन दे नाते कैशा देवण चाहना है वत उसे हुसैन दे नाते उस दे नाने मोहम्मद दा कलमा पढ़ आए मैं बिस्मिल्लाह कर तू सा जी इमाम हुसैन बल्ला कर इमाम जमाना बल्ला कर मैं बिस्मिल्लाह कर एवे नहीं रसूल खुदा ने आके हुसैन मिनी व अना मिनल हुसैन तेरा बख्त ही बहुत बड़ा है तेरा मुकद्दर कितना बड़ा है इस तो बड़ी बात नहीं अपने आप को ऐसा बना आले मोहम्मद तेरे तराजी हो जावण यार मर जाना है जो फना दी दुनिया फानी पता नहीं किथे मुक जाने कितनी रह गई 60 साल तो बंदा जानदे ही कोनी अगा 40 45 50 60 दी अखीर बंदा मर जांदा है तेरा मुकद्दर बहुत बड़ा है हुसैन दा वास्ती अपने आप नु बना जेड़े जेड़े बंदे सुनदे पए ने जिथे जिथे बैठे ने अज दे दिन बड़ा अजीम है जेड़ा बंदा अज दे दिन भी दुआ नहीं कर सकदा उस जैसा बदनसीब ही कोनी ए तेरा दौर बड़ा एहसान है तेरा मुकद्दर बहुत बड़ा है तेरा बख्त बहुत बड़ा है आसानी नाल सबसे मातम बिछा के बैठा है एक दौर ऐसा भी आया है जद आले मोहम्मद मनन वालों के हाथ कटे जाते मैं बिस्मिल्लाह करा गवाही हो गई इमामे तरीक दी कोई बुक मकतल दी कोई लखनऊ दे बंदा दी पाकिस्तान हुसैन बख जाड़ा उठाओ किसे उठाओ आले मोहम्मद मनन वाला जेड़ा इमाम हुसैन की कब्र दा सलाम करन वास्ते जांदे वक्त हाकम अल्लाह लानत करे सारे बेशमार आखो एक उत्ता हाथ कट गई इस पुछया वजीरां तों दसो इमाम हुसैन दे जवारन दी तादाद बंदे कोल आए तू हाथ भी कटना है हुसैन दी कब्र ते सलाम करन वाले लोगों की तादाद वध गई
ਅੰਦਾ ਦੋਵੇਂ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਕੱਟੋ ਲੋਕਾਂ ਦੋਵੇਂ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਭੇਜਣ ਕਟਾਏ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਕਬਰ ਦਾ ਸਲਾਮ ਕੀਤਾ ਕੈਸਾ ਮੁਕੱਦਰ ਹੈ ਤੇਰਾ ਇਸ ਵੱਧ ਪੁੱਛਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਦਾਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਪਾਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਦਾਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈ ਅੰਦਾ ਇੰਜ ਕਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਾ ਇੱਕ ਸਰ ਦੇਵੇ ਇੱਕ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਕਬਰ ਦਾ ਸਲਾਮ ਕਰੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੁਣ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਮੈਂ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰਾਂ ਯਾਰ ਜਵਾਨੀ ਮਾਣੇ ਅੰਦਾ ਇੱਕ ਸਰ ਦੇਵੇ ਲਾਲਾ ਜੀ ਬਾਇਆ ਕਬਰੇ ਮਜ਼ਲੂਮ ਕਰਬਲਾ ਸਲਾਮ ਕਰੇ ਦੋ ਭਿਰਾਂ ਯਤੀਮ ਹੈ ਨਾ ਪਿਓ ਦਾ ਸਾਇਆ ਨਾ ਮਾਂ ਦਾ ਸਾਇਆ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਕਰੀਬ ਹੈ ਉਸ ਮਕਾਮ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਸਰ ਦੇਣੇ ਬੈ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਕਬਰ ਦਾ ਸਲਾਮ ਕਰਨੇ ਜੇ ਤਾਂ ਕਰੀਬ ਹੈ ਨਾ ਜੱਲਾ ਤਲਵਾਰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਕੇ ਛੋਟੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਇਆ ਆਂਦਾ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਗਏ ਹੋ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਛੋਟਾ ਮੋਢਾ ਹਿਲਾ ਕੇ ਆਂਦਾ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੰਦ ਕਰ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਸੈਨ ਇਤਨਾ ਬੜਾ ਆਦਲ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਇੱਕ ਜ਼ਵਾਰ ਪਿਆ ਬਣਦਾ ਹੈ ਬਿਆ ਸ਼ਹੀਦ ਪਿਆ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਮੈਂ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਇਮਾਮ ਜ਼ਮਾਨਾ ਬਲ ਤੂੰ ਸਜੀਓ ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਬਖਤੀ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਵਾ ਤੇ ਇੱਕ ਜ਼ੈਫਾ ਹੈ ਬਸ ਥੋੜਾ ਹੋ ਜਾ ਇੱਕ ਜ਼ੈਫਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਇਰਾਦਾ ਬਣਿਆ ਮਜ਼ਰੂਮ ਕਰਬਲਾ ਦੀ ਕਬਰ ਦਾ ਸਲਾਮ ਕਰਾਂ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ ਨਾ ਲਾਇਆ ਉਸ ਮਕਾਮ ਤੇ ਆਈ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਪਾਸੇ ਡਿੱਠਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਕਬਰ ਦਾ ਸਲਾਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅੰਮਾ ਸਰ ਦੇ ਨਾ ਤੂੰ ਜ਼ਵਾਰੀ ਕਰ ਲੈ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਸੁਬਾ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਹੁਜਰੇ ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਇਬਾਦਤ ਕੀਤੀ ਜ਼ੈਫਾ ਦੇ ਦਿਲ ਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤਰੇ ਜਵਾਨੀ ਪੈ ਚੜਦੇ ਮੈਂ ਜ਼ੈਫੀ ਦੇ ਆਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਮੈਂ ਦੇਨੀ ਆ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਜ਼ਵਾਰੀ ਕਰੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਦੇ ਖਾ ਕੇ ਕਰਬਲਾ ਲਾ ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ੈਫਾ ਸੋਚਦੀ ਪਈ ਆ ਪੁੱਤਰ ਮਾਂ ਦੇ ਹੁਜਰੇ ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਡਿੱਠਾ ਤੇ ਮਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਅੱਖਾਂ ਸਾਵਣ ਦੇ ਬੱਦਲ ਪੇਰਾਂ ਚ ਨਾ ਲੈਣ ਨਾ ਜ਼ੈਫਾ ਮਾਂ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਡਿੱਠੀ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਗੱਲ ਚ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਖੈਰੇ ਮੌਤ ਡਰ ਗਿਆ ਹੈ ਨਹੀਂ ਅੰਮਾ ਮੌਤ ਡਰਿਆ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਰੋਂਦਾ ਕਿਉਂ ਹੈ ਮੈਂ ਇਰਾਦਾ ਹੀ ਬਦਲ ਛੜਿਆ ਸੁਬਾ ਸਰ ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਤੇ ਜ਼ਵਾਰੀ ਤੂੰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮਾਂ ਦੇ ਕਦਮ ਚੁੰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਅੰਮਾ ਮੈਂ ਜ਼ਵਾਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਪੁੱਤਰ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਕੀਤੀ ਅੰਮਾ ਤੂੰ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਮਸਨਤ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਰੋਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅੰਮਾ ਸ਼ਬੀਰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋ ਕੇ ਆਂਦੇ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਦੇ ਚਿੱਟੀਆਂ ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਲਾਜ ਮੈਨੂੰ ਕਬਰ ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਵਾਹ ਵਾਹ ਮੈਂ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰਾਂ ਤੇਰਾ ਹੁਸੈਨ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਆਦਲ ਇਮਾਮ ਹੈ ਜ਼ੈਫਾ ਸੁਬਾ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਲਿਆ ਪੁੱਤਰ ਸਰ ਦਿੱਤਾ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਆਈ ਤ੍ਰੈ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਤੀਸਰੇ ਦੇ ਕਬਰ ਚ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਜ਼ੈਫਾ ਪੁੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਮੈਂ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਸਲਾਮ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂ ਆਈ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਜ਼ੈਫਾ ਪੇਸ਼ਾਨੀ ਟੇਕ ਕੇ ਆਖਿਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹਜ਼ਾਰ ਪੁੱਤਰ ਹੋਵੇ ਤੇਰੀ ਜੁੱਤੀ ਤੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਜ਼ੈਫਾ ਵਤ ਨਾ ਕੁਝ ਖਾਧੇ ਹੀ ਨਾ ਕੁਝ ਪੀਤੇ ਤੇ ਰੋਂਦੀ ਕਿਉਂ ਏ ਸਾਰੇ ਚਾਵੀ ਤੇਰਾ ਬਖਤ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਜ਼ੈਫਾ ਧਿੰਮੇ ਜੇ ਲੈ ਜਿਸ ਬੋਲ ਕੇ ਆਂਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮੁਕੱਦਰ ਤੇ ਰੋਂਦੀ ਪਈਆਂ ਸ਼ਬੀਰ ਬੋਲ ਕੇ ਆਂਦਾ ਸਰ ਜਾ ਮੁਕੱਦਰ ਦੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਾ ਨਾ ਲਾ ਮੈਂ ਹੁਸੈਨ ਆ ਵਾਹ ਭਾਈ ਵਾਹ ਮੈਂ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰ ਵਤਨ ਤੇ ਉਹ ਵਲਿਆ ਬਸ ਦੋ ਚਾਰ ਸਤਰਾਂ ਤੇਰਾ ਹੁਸੈਨ ਬੜਾ ਦਲੇ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਸਜਦੇ ਦਾ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਸਾ ਬਣਾ ਆਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਤੇਰੇ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵਣ ਮੋਮਿਨ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਦਿਨ ਮਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਰ ਰਾਤ ਮਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿਤਾਬ ਮੈਨੇ ਗੁਰਬਤ ਤੇ ਸ਼ਬੀਰ ਹੈ ਜ਼ੁਲਮ ਓ ਸੈਦਾਤ ਇਸ ਦੀਆਂ ਦੋ ਜਿਲਦਨ ਗੁਰਬਤ ਤੇ ਸ਼ਬੀਰ ਦੀਆਂ ਪੰਜਨ ਜ਼ੁਲਮ ਓ ਸੈਦਾਤ ਦੀਆਂ ਨੌ ਲਿਖਾਂ ਦਾ ਲਾਲਾ ਲਾਲਾ ਜੀ ਹਾਫਿਜ਼ ਗੁਲਾਮ ਰਸੂਲ ਨਬੀ ਨੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਲਦਾਂ 14 ਬਣਦੀਆਂ ਇਹ ਲਿਖਦੇ ਜੋ ਜਦਾਂ ਆਖਰੀ ਵੇਲੇ ਇਸ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਕੋਈ ਨੈਣ ਹਾਫਿਜ਼ ਹੋਇਆ ਅੱਖਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਸੁਣੀ ਆਈ ਹੁਸੈਨ ਨਾਲ ਇਸ਼ਕ ਹੋਇਆ 14 ਜਿਲਦਾਂ ਲਿਖੀਆਂ 14 ਲਿਖ ਜਿਲਦ ਲਿਖਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਾ ਹਰ ਨਮਾਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੂਮਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਅਲੀ ਜਨਵਰੀ ਗੁੱਲਾ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਫਿਰ ਰੁਲ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਖਾਣਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਭੁੱਖ ਖਾ ਗਈ ਖਾਣਾ ਘੱਟ ਖਾਵਿਆ ਇਹ 14 ਜਿਲਦਾਂ ਲਿਖਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਾ ਕਲਮ ਬੰਨ ਕੇ ਆਂਦੇ ਮਾਲਕ ਮੈਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਮੈਂ ਹੁਸੈਨ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਵਾਹ ਬਈ ਵਾਹ ਵਾਹ ਬਈ ਵਾਹ ਮੈਂ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰਾਂ ਇਸ ਰਵਾਇਤ ਪੜ੍ਹੀ ਹਰ ਮੂਮਿਨ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਰੋਂਦਾ ਹੀ ਨਾ ਤੇ ਸਿਰਫ ਲਫ਼ਜ਼ ਸ਼ਾਮ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਅੱਖੀ ਤਵੰਨਾ ਇਤਨਾ ਰੋਣਾ ਤੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਸ਼ਾਮ ਆਂਦੇ ਮੈਂ ਸੈਯਦੋ ਸਾਜਦੀਨ ਦਾ ਪੜ੍ਹੇ ਜੋ ਇਮਾਮ ਚੋਖਾ ਨੈਣਾ ਦੇ ਸਿਰਫ ਆਂਦੇ ਸ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮਾਂ ਜ਼ੈਨਬ ਨੂੰ ਬਹਿ ਬਹਿ ਕੇ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਡਿੱਠਾ ਹੈ ਵਾਹ ਬਈ ਵਾਹ ਮੈਂ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰਾਂ ਬਲ ਵਤਨ ਤੇ ਉਹ ਵਲਿਆ ਜਿਸ ਜ਼ਖਮੀ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਮਾਂ ਨੂੰ ਖੈਮਿਆਂ ਦੀ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਂਦਿਆਂ ਡਿੱਠੇ ਮਦੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਅੱਲਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਾਣਦੇ ਸੈਦਾਦ ਦੇ ਆਦਮ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀਆਂ ਜ਼ਖਮੀ ਐਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀਆਂ ਤੇ ਬਹਾਏ ਯਾ ਉਹ ਬੀਬੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਤਲੀਆਂ ਟੇਕ ਕੇ ਉੱਠੀਏ ਜਾਂ ਰਹਿਮਤ ਅਲ ਆਲਮੀਨ ਨਬੀ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਬਚਾਈਏ ਸੱਜਾ ਜ਼ਖਮੀ ਹੱਥ ਬੁਲੰਦ ਕਰਕੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਗੈਰਤ ਦਾ ਮੋਢਾ ਹਿਲਾ ਕੇ ਆਂਦੀ ਏ ਸੱਜਾਦ ਦੱਸ ਨਾ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਏ
मदीना नान ने मुहम्मद आला मदीने का नाम आया बीबी आंदी पुत्र सजाद सच पुछदा है ना मेनू नान मुहम्मद का रोजा सही दिसे कोई नहीं सजाद तू जानने तेरे बाबे दी शहादत बाद करबला तो लेके शाम तई सजाद जिथे मैं समझी आई आरस बिन नौफल बेगैरत नेजा बुलंद करके आंदा जाग तेरे सम्मण दे मौसम टुर गए सजाद मेरी अखां दी बिनाई घट गई है सजाद मैं बुढ़ी हो गई हां जदा बीबी गल कीती तई इमाम दी अखां रुनियां अली दी आली दी पुत्र दे गल च पई पईयां पुत्र क्यों रोंदा पिया है अम्मा को वक्त याद आए मेरा पुत्र केड़ा वक्त याद आए अम्मा जद मैं तस्सी बेण नो अम्मा बुढ़ी बेण नो अम्मा जख्मी बेण नो गरीबल कब्रिस्तान जे खट्टी खटाई कब्र च लाया है ना अम्मा मेरी बेण दे लब हले मैं के दुखा दे दर्द तू जिंद छुट गई है हुण क्यों रोनी है तड़प के आंदी है सजाद मेरा दिल आंदी कद जींदी वतन ते जावां सजाद नाने मुहम्मद की कब्र नो आ ना ला क्या खा नाना मुहम्मद जदन तेरी धी फातिमा की दुनियावी जिंदगी 18 साल 3 महीने ते 17 दिन नहीं एक मर्तबा दरबार च गई है जदा वापस आई है सजे हाथ नाल तस्बी नहीं कर सकती तेरी कब्र ते आके आंदी आई बाबा मुहम्मद मंग दुआ तेरी धी नु मौत आवे ओ अम्मा इस वास्ते रोंदा पिया मेरी बहन आंदी आई सजाद मैं भी वतन ते जाके नाने नवाखा नाना तेरी शरीयत दी खातिर मेरे पास वेख हुसैन दी धी दे जोड़ त्रुट गए नाना मैं बुढ़ी हो गई हाँ नाना मेरी कमर झुक गई है नाना मेरी अखरां दी मिनाई घट गई मैं बिस्मिल्लाह करा भला होवे मैं लख मेरी अखा मां ऐलान करवावा मैं छोड़ दिता ऐलान बशीर कीता मुहम्मद हनफी अदक नौकर भाईजान जिस दा नाम खिजर भी लिखिया गया है याहिया भी लिखिया गया है याहिया दा मोढा इलाके ने तू घोड़े ते ज़ीन पा हो सकदा है मत मेरे वल आए होवन इदू मुहम्मद हनफिया घोड़े ते ज़ीन पवाई इदू सजाद मां दे सामने हाथ जोड़े अम्मा इजाजत दे असा दोवें प्यो पुत्र उस रस्ते ते बांधे हैं इदू दोवें प्यो पुत्र उदू मुहम्मद हनफिया इवें दोवें प्यो पुत्र बैठे हैं या मुहम्मद हनफिया इवें कण दे पिछे आके घोड़ा रोका अल्लाह बादशाह जानदा है मैं इंजे किताबे तफसीर करबला लिखण आला सैयद फरुख हुसैन काजमी इंडिया दा मैं इंजे पढ़े मुहम्मद हनफिया सजे हथ बुलंद करके आखे मुसाफिर ओ बुढ़ड़ा ओ परदेसी मेरा सलाम होवी मुहम्मद अली दा बहादुर पुत्र ही सलाम कीता है उस वेले धिम्मे जे लै जे सजाद बोल के आंदा जवान चाचा मेरा भी सलाम होवी जवानी दा नाम आया अली दे पुत्र दे चेहरे ते जलाल पवण दे करीबा अल्लाह बादशाह जानदे है बतनाग आसा तू बुढ़ना है 90-95 साल दा मैं 32-33 साल दा ली दा बहादुर पुत्र कड़ियल जवान हाँ मैनू क्यों चाचा पे सड़ दे तेनू पता है मैनू चाचा साडा नाले दा नाम सजाद है मैनू चाचा साडा नाले दा नाम अकबर है उस वेले मुहम्मद बाकिर करीब आके हथ जोड़ के आंदा दादा मेरे प्यो नू झिणका ना दे दादा मेरा प्यो हर मकाम ते झिणकींदा रहे दादा मेरा प्यो बेणा दे सामने झिणकींदा रहे मेरा प्यो मावां दे सामने झिणकींदा रहे मुहम्मद बोल के आंदे नहीं प्यो पुत्र तेरे बाबे नूं झिणकण नहीं देंदा मेरा पुत्र तेरे बाबे दी उमरां ढेर है मेरियां उमरां थोड़ी ਉਹ 90-95 ਸਾਲ ਦਾ ਬੁੱਢੜਾ ਜ਼ਈਫ ਅੱਲਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਾਣਦੇ ਗੁਰਬਤ ਸ਼ਬੀਰ ਅਲ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਅਜੇ ਗੱਲ ਮੁੱਕੀ ਨਹੀਂ ਯਾ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਸੈਯਦ ਸਾਜਦੀਨ ਦੀ ਜ਼ਖਮੀ ਕੰਡ ਡਿੱਠੀ ਦਿਆ ਲਤੀਓ ਬੈਠੋ ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੰਮਦ ਬਾਕਰ ਨਾਲ ਬੋਲਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਮਾਮ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦੇ ਦਿਮੇ ਜੇ ਲੈ ਜੇ ਚਬੋਲ ਕੇ ਆਂਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸਭ ਜਲਦੀ ਕਰ ਮੇਰੀ ਕੰਨ ਤੋਂ ਚੋਲਾ ਚਾ ਚੋਲਾ ਚਾਵਣ ਦਾ ਨਾਮ ਆਏ ਅੱਲਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਾਣਦਾ ਇਰਾਦਾ ਬਣਾਏ ਮੁਹੰਮਦ ਬਾਕਰ ਜੋ ਮੈਂ ਚੋਲਾ ਚਾਵਾਂ ਲੇਕਿਨ ਚੋਲਾ ਚਾਇਆ ਨਹੀਂ ਇਮਾਮ ਨੇ ਇਮਾਮ ਦੀ ਕੰਨ ਦਾ ਚੋਲਾ ਛੁੜਾਏ ਜਦਾਂ ਖੂਨ ਦੇ ਕਤਰੇ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲ ਪਾਸ ਲੁੜੇ ਨੇ ਅਲੀ ਦਾ ਬਹਾਦਰ ਪੁੱਤਰ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਰੱਖ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅੱਲਾ ਮਾਂ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਛੁੜਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ सजाद आंदा चाचा मुसलमाना मेनू बड़ा मारे मेनू भेणा दे सामने मरेंदे रहने मेनू मावां दे सामने वाह 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 दियां दे परदे अल्लाह बादशाह जानदे वक्त डिठा सैयद साजदीन दिया जख्मी अखां अज दी मजलिस दा अज़ीम जुमला भाईजान मैं जितनी किताबां च पढ़ी बैठा बाबे दी शहादत दे बाद
इमाम चेहरा ते जुल्फा रख दे ओदा जुल्फा उठाउंदे हैं जदा सजदे खुदा वरना बाजार चेहरे ते जुल्फा दरबारा चेहरे ते जुल्फा अल्लाह बादशाह जान दे इस मकाम तो खून नजर आया मोहम्मद आंदे मेरे पुत्र इंज लगदे तेरे बाबे दी अखां भी जख्मी सजाद बोलिया रो के आंदा नहीं ओ चाचा मोहम्मद मेरा जिगर ही फट गया है मेरा हां जख्मी है उस वेले मोहम्मद आंदा जिंदगी च पहला बंदा डिठा है जिस दे जिगर दे टुकड़े कपी कपी के अखां लो खून बन के बहर पियांदा है तेरा इतना नुकसान होए तेरा जिगर ही फट गया उस वेले सजाद आंदा पुत्र बाकर हुण मैनू सहारा दे मोहम्मद बाकर सहारा दित्ता कंबर नून वांग झुकी हुई जख्मी हथ इमाम ने इस मकाम ते रखे अल्लाह बादशाह जान दे जख्मी हथ रखण दे बाद त्रै मर्तबा किताब दने गुरबत शबीर मोहम्मद हनफिया घोड़े दी ज़ीन च बह के पुछे ज़ईफ तेरियां अखां किवें जख्मी होईयां सजाद दिमे जे लहजे च बोल के आने चाचा मेरा ढेर सारा नुकसान होए तीसरी मर्तबा भाई जान पुछण दे बाद सैयदो साजदीन धिम्मे जे लहजे च बोले ते रो कहंदा चाचा मोहम्मद मेरा जिगर किवें ना फटे चाचा मोहम्मद मैं 80,000 बेगैरत च मानो चादर मंगदियां डिठाए या ज़हरा चाचा मोहम्मद मैं अकबर फिरा दी जगीर च 4 साल दी भेण नो घोड़िया नाल भजदियां डिठाए अल्लाह बादशाह जान दे धियाले प्यू बैठे हो सजाद तड़क्यां दे चाचा मैं प्यू दी कण ते प्यू दा कातिल सवार डिठा है चाचा बेगैरत ज़रबा मार के आंदे हुसैन खैमियां च वेख तेरियां भेणा कलियां रह गईयां मैं बिस्मिल्लाह करा जवानी मारे मालिक कबूल करी अगली सत्र बड़ी औखी है जेड़े जवान बैठे हो भाई जान जुमला बड़ा औखा है मिंबर दी कसम है काफी देर गुजरन दे बाद सजाद तड़क आंदा पुत्र बाकर जल्दी कर मेरे चेहरे तो वाल हटा जदा मोहम्मद बाकर चेहरे तो वाल हटाए सजाद नोन वांगो झुकी हुई कमर थोड़ी जी बुलंद की थी आंदा चाचा मोहम्मद मेनू सुजान मैं तेरा सजादा सजादा नाम आया अली दा बहादुर पुत्र तू हथड़ा मुंह ते मातम करके घोड़े दी ज़ीन तू जमीन ते झण पै इवें पुत्र दे गल च बई पा के आंदा अल्लाह दे नां ते दसा तेनू खून रोआवा ना लखाउणे तेनू ताजियां ने मारा ना लखाउणे उस वेले सजाद आंदा चाचा जै सब तू चोखा मैनू मारिया उस बेगैरत दा नां शिमर आई ओ चाचा जै भेणा दे सामने मारिया ओ शिमर आई मैं बिस्मिल्लाह करा इक्का सतर अल्लाह बादशाह जान दे मैं ये फड़िया जेड़ा बंदा हुण तई इबादत नहीं कर सकिया आंदा गल मुक्की कोई नहीं अली दा बहादुर पुत्र तड़पदा पई मोहम्मद आंदा मेरा पुत्र अल्लाह दे नां ते दसा ने बार बार जो शिमर आंदा बेगैरत कौन है जै तेनू चोखा मारिया जेड़ा बंदा हुण तई इबादत नहीं कर सकिया मैनू इंज किताब च पढ़िया सैयद आंदा उस चादर लहाई बेघर तेज मेरी भेण दे दुर लहा ले में जरा छतियां शारा च ताजियां ने मार के आंदे बागी दा वड्डा पुत मैं बिस्मिल्लाह करा मेणा दे परदे एक रस्तर होर पढ़ाई इजाजत बानी मजलस से अल्लाह बादशाह जान दे मैं जे किताब च पढ़े जेड़ा बंदा हुण तई इबादत नहीं कर सके अजा मोहम्मद बाकर करीब नैणा है सजाद दसदा पे उस वेले अली दा बहादुर पुत्र हाथ जोड़े रो के आंदा दस ए केड़े शार दा वसदा ए शिमर तू मैं बदला लैणा बदले दा नाम है सजाद आंदा चाचा सानू को लुटा ना लाए कई सानू पता नहीं केड़ी केड़ी जा दे वसा नाले लुटिए चाचा मैनू मुसलमाना बड़ा लुटिए उस वेले आंदे तू आया मैनू अली दी धी मिला तेरे बारे में आदि दा फरमान मेरा सलाम उन्ना 12 बीबियां ते जिन्ना दे मौसम दी वजह नाल रंग तब्दील होए अगू अगू सजाद पिछू पिछू मोहम्मद हनफिया जदा अली दी धी दे सामने त्रै मरतबा गुजरे सजाद सामने हाथ जोड़ के आंदा
अकबर बरछी खा गई आई उस वेले मुहम्मद जल्दी सजा अली दी धी दे सर रखे बीबी जल्दी दे नाल हाथ पिछा गया मुहम्मद मुसलमान फिरा नमाज नहीं पढ़ता मैं दिया मेरे मां का नाम बतूल मुर्शिद लादी अब मैं दावत इख्तार दूंगा मिंबर की दुनिया का उभरता हुआ सितारा भवाना की धरती का नौखेज नौजवान शायर अहले बैत सैयद इमरान हैदर जाफरी साहब से कि वो आए और आपसे खिताब फरमाएं पर मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंद तर सलावात जो अहबाब इस इबादत में अभी तक शामिल नहीं हुए मैं एक दफा फिर कहूंगा बुलंद तर सलावात दरूद पढ़ने से मिल के बुलंद माशाल्लाह काफी सारे हजरात तशरीफ फरमाए दरूद की आवाज का मैं दरूद एक और मिल के पढ़े अल्लाह इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का फरमान है जो बंदा हमारी जात पे खुले दिल से दरूद भेजे जिंदगी भर उसके रिस्क में कमी नहीं आती दरूद एक और मिल के पढ़े अल्लाहुम्मा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिही नस्ताईन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अलमासूमीन अलमुंतखबीन अलमुंतजबीन والان الله ولا اداه مجمعين من يوم اداوته الى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي نادل يوم مزر هل جائف تجدون لقد في نواف كل هم وغم سين جلي بيلين بيلين بيلي صلوات دعا ہے پروردگار عالم بانیاں نے مجلس کی تمام حاجات کو پورا فرمایا इस इज्जत वाले दरबार से कोई शख्स भी खाली दामन ना जाए इमाम हुसैन सरकार अपने आजादारों की हिफाजत फरमाए मेरे अल्लाह जिक्र मजलूम करबला दुनिया में जिस जिस मुकाम पे बपा हो रहा है वो मकान वो मकीन ता क्यामत क्यामत आबादो शाद रहे मेरे अल्लाह इस नाजुक दौर में हर माँ बहन बेटी का पर्दा सलामत रहे इस दौर की और आखिरी दुआ मंगवा रहा हूँ तमाम अबाब आमीन कह के शरीक हो जाना मेरे अल्लाह हम वारिस के होते हुए बेवारिस हैं जिक्र के सदके पर्दे वाले वारिस की ज़ारा नसीब फरमा दुरूद बार मोहम्मद वाले बैते मोहम्मद इजाजत है जो गुफ्तगू का आगाज किया जाए कोई लंबी चौड़ी गुफ्तगू नहीं करनी बस 10 से 5 मिनट आपके लेने हैं बगैर तखीर के अपनी मैं नौकरी का आगाज करता हूँ बरोज़े हशर जो मेरे जवान भाई बैठे हैं बरोज़े हशर चलो इसी जगह मुझे जनाबे सरकार शोहरा लखनऊ की धरती का बहुत बड़ा नाम सरकार मीर अनीस के दो जुमले याद आ गए मीर अनीस साहब को कौन नहीं जानता हर बंदा मीर अनीस साहब से वाकिफ है मीर अनीस साहब अक्सर अकेले बैठ के कलाम पढ़ते थे जो लिखते थे लोग उनसे अक्सर पूछते थे सरकार आप अकेले बैठ के पढ़ रहे हैं इसकी वजह क्या है आप दो चार जो अब आप मेरे सामने तशरीफ फरमाए आपने आपको काम नहीं समझना मैं इसकी दलील देने लगा हूं सरकार मीर अनीस साहब फरमाते थे गम ना कर कम आए जो लोग उन्हें कहते थे कि मीर अनीस साहब आप अकेले बैठ के पढ़ रहे हैं इसका मकसद क्या है मीर अनीस साहब अपने आप को कहते थे गम ना कर कम आए हैं शबीर कहते हैं हम आए शबीर कहते हैं हम आए इसलिए अपने आप को थोड़ा नहीं समझना
क्योंकि ये मजलिस हिजाब वो जगह है जहाँ फरिश्ते आने के लिए भी तरसते हैं, यहाँ फरिश्ते आने के लिए भी तरसते हैं। इसलिए अपने आप को थोड़ा नहीं समझना, अपना भाई समझ के, बुजुर्ग अपना बेटा समझ के, क़िबला साहब की दुआ से मातमी अपना नौकर समझ के, बस इतनी इतनी बस मुझे दुआ देनी है जितना मेरा हक बने। और अगर हक ना बने तो बोलने की जरूरत ही नहीं है। मैं कोई बरोज़े हशर, महशर का मैदान, क़यामत का दिन, जोरों से गर्मी पड़ रही होगी, सूरज लोगों के सर पे होगा, कुछ लोग जन्नत में जाने की कोशिश कर रहे होंगे, फरिश्ते उन्हें रोक के कहेंगे खबरदार मुनकर को गुजरने की यहाँ ताब नहीं है, मुनकर को गुजरने की यहाँ ताब नहीं है। पहला मिसरा मैंने अपने इब्तिदा नौकरी की कर दी है, मैंने ये ध्यान नहीं किया कि अब आप थोड़े हैं, मैंने ये ध्यान नहीं किया कि सर्दी का मौसम है, मैंने बगैर किसी ताखीर के, मैं समझ रहा हूँ हजारों का मजमा मेरे सामने बैठा है, कुछ लोग क्यामत के दिन जन्नत में जाने की कोशिश कर रहे होंगे, फरिश्ते उन्हें रोक के कहेंगे खबरदार मुनकर को गुजरने की यहाँ ताब नहीं है, मुनकर को गुजरने की यहाँ ताब नहीं है। बातें दो है, अगर हक बने तो उठाके हुसैन को सलाम जरूर करना है, अगर हक ना बने तो बोलने की जरूरत ही नहीं है, फरिश्ते ने रोक के कहेंगे खबरदार मुनकर को गुजरने की यहाँ ताब नहीं है, मुनकर को गुजरने की यहाँ ताब नहीं है, माथे का निशा इतना भी नायाब नहीं है, और तू जिसको दिखाता है जबी ताल के अपनी, ये बुक्स का धक्का है, ये मेहराब नहीं है, हाथ ऊंचे करके बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी, ये बुग्ज का धब्बा है, ये मेहराब नहीं है, ये बुग्ज का धब्बा है, ये मेहराब नहीं है। और मैं मिम्बर हुसैन पे खड़ा हूँ, सैयद ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह अली वलीउल्लाह, आपने मुझे एहसास होने ही नहीं दिया कि आप दो चार बैठे हैं, मैं कलमा पढ़ के बावजूद मिंबर पे खड़ा होकर ऐलान कर रहा हूँ, अगर आप हाथ उठा के सलाम ना करते मौला अली को, मैं ये चार मिसरे कभी ना पढ़ता, ये अलम इस साइड पे भी मेरे साथ है, इस साइड पे भी मेरे साथ है, मैं दोनों तरफ अलम को गवाह बना के कह रहा हूँ, अजीब कैफ है, इश्क अली की मस्ती है, कौन है अली, क्या है अली, टिटोलो यार कौन है अली, क्या है अली, कभी सोचो, मैं कह रहा हूँ अजीब कैफ है, इश्क अली की मस्ती है। अब जिसके दिल में अली की मोहब्बत हुई वो हाथ उठा के अली को सलाम जरूर करेगा, बाकियों की अपनी मर्जी है, अजीब कैफ है, इश्क अली की मस्ती है, अजीब कैफ है, इश्क अली की मस्ती है, मेरे जमीर की बस्ती इसी से बस्ती है, और ये मेरी जिद नहीं, सरवर का हुक्म है लोगो, अली नहीं तो इबादत है बहुत परस्ती। जिंदाबाद जिंदाबाद, हाथ ऊंचे करके आली, 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 आली। ये मेरी जिद नहीं, सरवर का हुक्म है लोगों, अगर मैं गलत पढ़ूं मेरा ये इंतजार नहीं करना कि मैं मिंबर से उतरूंगा तब मुझे आप पकड़ेंगे आपने गलत पढ़ा है, अगर मैं आपका छोटा भाई हूं अगर मैं गलत पढ़ूं तो आपने मेरी इस्लाह जरूर करनी है, गलत पढ़ूं तो अभी मुझे उतार देना मिंबर हुसैन से, क्योंकि मिंबर हुसैन वो जगह है जहां गलत पढ़ने की गुंजाइश नहीं, जहां गलत पढ़ने की गुंजाइश ही नहीं है। चलो माहौल बन गया, 102 मिनट आपकी नौकरी करता हूँ, रात का वक्त था, मौला अली तख्त पे तशरीफ फरमा थे, कहकशां रश कर रही थी, जो मेरे बुजुर्ग बैठे हैं, जो जवान भाई बैठे हैं वो दुआ मेरे हक में जरूर करेंगे, कहकशां रश कर रही थी, चांद अपने हंडोलों में अचकोले खा रहा था, मौला अली सामने तख्त पे तशरीफ फरमा थे, मौला अली के कदमों में कौन कौन बैठा था, मौला अली के कदमों में सलमान बैठा था, अबू ज़र बैठा था, मकदाद बैठा था, ये बैठे थे मौला अली के कदमों में, इन्होंने कहा मौला हमने आपकी आज तक तारीफ बहुत ज्यादा सुनी है, मौला मौसम इतना अच्छा हो गया है, मौला हवा चल रही है, चांद अपने हंडोलों में अचकोले खा रहा है, मौला आज आप खुद बताए मौला आप क्या है,
है मौला, आज आप खुद बताएं आप क्या है। मौला अली ने कहा सलमान बंदे को ये जेब भी नहीं देता कि बंदा अपनी तारीफ खुद करे, लेकिन अगर तू सुनना चाहता है तो सलमान सुन। सलमान खड़ा हो गया, मौला अली ने सलमान की आंखों में आंखें डाली, सलमान ने हाथ जोड़े, सलमान ने कहा जी मौला। मौला अली ने सलमान की आंखों में आंखें डाल के कहा सलमान बंदे तो ये खालिक है। मौला ने खुद फरमा रहे हैं, मौला अली अपना बता रहे हैं, मौला अली कौन है? जिसके दिल में अली की मोहब्बत है, जिसके दिल में ठंडक पैदा होगा वो हाथ उठा के हुसैन को सलाम जरूर करेगा, जिसके दिल में ठंडक महसूस ना हुई उसे हाथ उठाने की जरूरत ही नहीं है। मौला अली का सलमान मुझे पहचान, मैं है अली, बंदे पे ये खाली की बड़ी खास अता है, मैं वो हूँ जिसे होने का पहले से पता है, मैं हूँ तो पता चलता है दुनिया में खुदा है, अगर मैं नहीं तो इस दीन में क्या है, अगर मैं नहीं तो इस दीन में क्या है, अगर मैं नहीं तो इस दीन में क्या है। मौला अली खुद फरमा रहे हैं, माहौल कैसा बना हुआ था, मौला अली तख्त पे तशरीफ फरमा थे, तख्त पे तशरीफ फरमा थे, मौला अली खुद फरमा रहे हैं अगर मैं नहीं तो इस दीन में क्या है, अगर मैं ही नहीं तो इस दीन में क्या है। चलो मैं अगर मिसरा हवाले कर देता हूँ आपके, एक लफ्ज है अबर, अबर के मैनी है बादल। मौला अली फरमा रहे हैं मैं कौन हूँ, सलमान को बता रहे हैं सलमान मुझे पहचान, मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ, बंदे पे ये खालिक की बड़ी खास अता है। अबर जो लफ्ज है ये जहन में रखता है अबर के मैंने में बादल, अबर अब जो लफ्ज अपने जहन में रखना है अबर क्या है। मौला अली फरमा रहे हैं सलमान मुझे पहचान, बंदे पे ये खालिक की बड़ी खास अता है, मैं वो हूँ जिसे होने का पहले से पता है, मैं हूँ तो पता चलता है दुनिया में खुदा है, मैं ही नहीं तो इस दीन में क्या है। और सलमान मुझे पहचान, मैं हुक्म जो करता हूँ तो है अब्र बरसता, दुश्मन मेरा मर जाएगा मुझको एक रास्ता। आहा जिंदाबाद जिंदाबाद, हाथ ऊंचे करके हाजरी। मैं हुक्म जो करता हूँ तो है अब्र बरसता, दुश्मन मेरा मर जाएगा मुझको ही तरसता। मौला अली बता रहे थे मैं कौन हूँ सलमान को, बताते 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 मौला अली ने अपना मुंह कर लिया आसमान की तरफ, आसमान की तरफ मुंह करके कहा अच्छा 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 ठीक है। अब जो दसवें दर्जे पे फरिश्ता सलमान काम तो वे हाथ बांधे मौला अली के आगे, मौला आप आसमान पे किससे बातें कर रहे हैं। मौला अली ने आंखों में आंखें डाल के सलमान को कहा सलमान तूने जिद कर दी है, अब आसमान वाले भी जिद कर रहे हैं, अब आसमान वालों को भी बताना पड़ेगा। अब एक मेरी बात हमेशा याद रखना, एक ओले अजब पैगंबर है जिनका नाम है हजरत मूसा, एक याजिद पैगंबर है जिनका नाम है हजरत मूसा, एक सीनियर पैगंबर है जिनका नाम है हजरत मूसा, हजरत मूसा के उस्ताद का नाम है हजरत खिजर, मूसा मूसा से सीनियर खिजर, मूसा मूसा के टीचर खिजर, मूसा मूसा के उस्ताद खिजर, मूसा मूसा से सीनियर खिजर। अब अली बता रहे हैं कौन है अली, क्या है अली। अली इस आसमान की तरफ मुंह करके कहते हैं आसमान वालों मुझे पहचानो, मैं है अली, मैं वो बाग फजीलत हूँ जो आबाद रहा हूँ, आलाइश दुनिया से भी आजाद रहा हूँ, और नबियों के लिए साहिबे इमदाद रहा हूँ, और मूसा मैं तेरे खिजर का उस्ताद रहा, मूसा मैं तेरे खिजर का उस्ताद रहा। बस अगर दुनिया इसी फजीलत को समझ लेती जो आज सखम आए हैं बैतूल के घर में, वो कभी ना। मौला भाई आमिर के रिजक में इज्जत में इजाफा फरमाए, मौला मेरे किबला जनाब प्रोफेसर मकसूद अली साहब के इज्जत में इज्जत में इजाफा, जितने अब आप बैठे हैं मौला आप तमाम मोमिनीन का कदम कदम चल के अपनी बहरगाह में कबूल और मंजूर। फजाइल जितना भी पढ़ लो वो बीबी राजी नहीं होती जो दूर से आती है देर से जाती। मैं कहूं जिसका नबीना सहाबी से, जिसका नबीना सहाबी से हो पर्दा लोगों, उसका कौन बताए तमाचों के निशान कितने थे। रातें रोने की है, दिन रोने का है, आज तीन जुमातों सानी
दस मुहर्रम से कम नहीं है। मैं चाहता हूं एक मिसरा पढ़ के मिंबर अपने किबला के हवाले करूं। इब्ने मसूद, अगर ये बातें आपने पहले सुनी हो तो मुझे अभी बता देना, क्योंकि मैं वो जाकर नहीं कुछ सीढ़ियां रट के आ जाऊं और आपको सुनाऊं। मेरा काम है मुतालिया करना और नई से नई बात आप तक पहुंचाना। मैं बस एक या दो जुमले में मुसाहिब का पढ़ के आपको मिंबर हवाले करने लगा किबला के। इब्ने मसूद रवायत करते हैं कि जब मौला अली ने बतूल को जन्नतुल बकी में दफन किया, दफन करने के बाद हसनैन को इशारा किया, हसनैन ने कहा जी बाबा, मौला ने कहा घर जाओ। जब हसनैन शरीफैन घर चले गए, इब्ने मसूद कहता है मौला ने हम सातों की तरफ इशारा करके कहा तुम भी घर चले जाओ। मैं मौला के पास आया, इब्ने मसूद कहता मैंने हाथ जोड़े, हाथ जोड़ के कहा मौला आपको वास्ता है बीबी फातिमा का, जिसको अभी अभी दफन किया है, मुझे ना जाने दे, मैं आपको अकेला नहीं छोड़ सकता। मौला ने इशारा करके बुला लिया इब्ने मसूद को। इब्ने मसूद कहता है मौला जन्नतुल बकी की टूटी हुई दीवार पे बैठ के पहले हिचकिए मार के रोते हैं, फिर सिसकिए मार के रोते हैं, फिर इमामा उतार के जमीन पे फेंक दिया। मौला ने इमामा फेंक के जब जमीन पे फेंका और मुंह पे मातम किया, इब्ने मसूद तड़पा, तड़प के कहता है मौला आपने जंग के मैदानों में मौत को हराया है, आज आप क्यों रोते हैं। मौला अली मुंह का मातम करके कहते हैं इब्ने मसूद मैं कभी ना रोता अगर मोहम्मद की बेटी मर गई होती, और मैं कभी ना रोता अगर मोहम्मद की बेटी मर गई होती। मुझे आज मेरी बड़ी बेटी जैनब ने बताया है बाबा दूसरे के बाद मैंने देखा है मेरी माँ की तीन पसलियां टूटी हुई थी। मौला रो के कहते हैं इब्ने मसूद मैं बतूल के सबर को रोता हूँ, मुझे बतूल ने आज तक नहीं बताया या अली मेरी पसलियां टूटी हुई है, या अली मेरा पहलू जख्मी। खल्क किबरिया इनकी जिंदगी दराज फरमाए, पर खलोस सैयदा की बारगाह में हाजिरी पेश फरमा रहे थे बावाज़े बुलंद सलवात। सलवात का पढ़ना बहुत अजीम इबादत है, बावाज़े बुलंद सलवात पढ़ें। सबसे पहले दुआ गो हूं कि खालिक किबरिया मेरे भाई आमर सजाद अलवी की ये सफ़े अज़ा बिछाई, अल्लाह पाक सय्यदा तय्यबा ताहिरा फातिमा ज़हरा की इज्जत के सदके अपनी बारगाह कबूल मंजूर फरमाए, और जितने भी अहबाब इस मजलसे अज़ा में शरीक हुए हैं अल्लाह पाक सब की नेक हाजात को जल्द अज जल्द पूरा फरमाए। माशाल्लाह हमारा मान तरान फखरे सदात पीर सैयद नादर हुसैन शाह साहब ज़ाकिर अहले बैत मिंबर पे जलवा फगन हो चुके हैं, और जो दोस्त बाहर खड़े हैं मैं इल्तमास करूंगा कि ये दरबारे सैयदा है, अदब के साथ आए और तहजीब को मालूज़े खाता रखते हुए बारगाह में तशरीफ रखें। चौकों बाजारों में खड़े होना ये मोमन की शान नहीं है, इसलिए मैं गुजारिश करूंगा जो जो सैयदा को पुरसा देना चाहता है वो आए, सफ़े अज़ा बिछाई गई है और अपनी हजात सैयदा की बारगाह में पेश करे बावाज़े बुलंद सलवात। क्योंकि कुरान कह रहा है बातल है सारा दीन, मैं नहीं कहता कुरान कह रहा है, कुरान कह रहा है बातल है सारा दीन सरवर की लाडली से मुवद्दत किए बगैर। जिसका अकीदा मेरे अकीदे से मिल जाए कम से कम वो बंदा जरूर बोलेगा, क्योंकि रब्बे कायनात की इज्जत की कसम है कुरान से कह रहा हूं अपनी जुबान से नहीं, ये जुबान मुस्तफा है या कुरान है कि कुरान कह रहा है बातल है सारा दीन, कुरान कह रहा है बातल है सारा दीन
सरवर की लाडली से मुवद्दत किए बगैर पानी की एक बूंद भी पीना हराम है। अरे दुश्मन बतूल पे लानत किए बगैर पानी की एक बूंद भी पीना हराम है। दुश्मने बतूल पे लानत किए बगैर तो सब दोस्त बोलेंगे सैयदा के दुश्मनों पे लानत, सैयदा के दुश्मनों पे लानत। तो अजीजाने ग्रामी जिस अजीम शख्सियत को दावते सफर दे रहा हूं आले नबी उलादे अली फखर सदात मंबा फिजो बरकात पीर सैयद नदीम अब्बास रजवी आफ चक बहलोल जो कि मिंबर पे जलवा फगन हो चुके हैं उनकी बारगाह में अदबन गुजारिश करता हूं कि वो आए और सैयदा की बारगाह में हाजरी पेश फरमाएं। आले नबी उलादे अली जनाब सैयद नदीम अब्बास रजवी साहब से तमास गुजार हूं कि वो आए और बारगाह सैयदा में हाजरी पेश फरमाएं। बावाज बुलंद सलावात दुरूद पाक पढ़ लो अज़मत मोहम्मद। सल्लल्लाहु अलैहि